नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आज एक विशेष चर्चा के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून 2020 यानी कि रविवार के दिन आने वाला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण, जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से काफी समय से चल रही है, इस ग्रहण का आम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, साथ ही साथ में इस ग्रहण काल का शुभ समय क्या होगा, ग्रहण से पहले जो सूतक लगता है उसका क्या समय रहेगा, इन सारी चीजों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी को बता दूं कि यह जो ग्रहण है आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या के दिन लगने वाला है, जो कि 21 जून 2020 को है। यह जो ग्रहण लगने वाला है खंड ग्रास सूर्य ग्रहण, तमाम सारे लोग अलग अलग प्रकार के भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, साथ ही साथ में बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि क्या यह ग्रहण बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है या फिर लाभदायक, इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जो ग्रहण लगने वाला है यह सार्वभौमिक है, यानी कि सभी जगहों पर दिखाई देने वाला है। यह जो सूर्य है यह कहीं भी अदृश्य नहीं होंगे और उसके साथ साथ में इनके ऊपर काली छाया पूर्णतः घिरी होगी, जिसको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि खुले आंखों से ना देखें। यानी कि सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए कि जब भी ग्रहण काल का समय हो उस समय अपने घर में ही रहें, और ग्रहण काल से पूर्व यानी कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है उससे 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल का समय प्रारंभ हो जाता है। तो यानी कि ये 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से पूर्व यानी कि 10:31 दिन में ग्रहण काल का समय प्रारंभ होगा, उससे पूर्व 12 घंटे यानी कि शनिवार 20 जून को रात्रि 10:31 के बाद से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में इसका नियम जो है उसके तहत इसकी मान्यता उसी समय से प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन एक और विशेष बात, चतुर्ग्रही योग बन रहा है, यानी कि चार चार ग्रह एक साथ विराजित रहेंगे। यह भी एक बहुत ही अलग तरीके का फल देने वाला रहेगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व पर बहुत बड़ा महामारी चल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस नाम की जो महामारी है वह चल रही है, जिससे कि दुनिया त्रस्त और अस्त व्यस्त पूरी तरह से है। कुछ समय से यानी कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है वह भी बहुत ही भयावह कहा जा सकता है, यानी कि चार ग्रहों का वक्री होना, ऐसे तो टोटल बहुत सारे लोगों का कहना है कि 6-6 ग्रह वक्री है। जबकि आप सभी लोगों को बता दूं कि राहु और केतु सदैव वक्र गति से ही चलते हैं, इसलिए 2 ग्रह वो और 4 ग्रह उसके अलावा यानी कि बुध गुरु शुक्र और शनिदेव, ये चारों ग्रह वक्र स्थिति में चल रहे हैं, जिससे कि कई सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव, लेकिन उसी में कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर भी आने वाले हैं। अब आप सभी लोगों को बता दूं कि यह जो ग्रहण का काल है यह किस राशि और किस नक्षत्र में प्रारंभ होने वाला है। तो मिथुन राशि में प्रारंभ हो रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ होकर और आद्रा नक्षत्र में यह ग्रहण काल का की समाप्ति होगी। उसके अलावा आपको जानकारी दे दूं कि यह जो ग्रहण काल का समय है ये कितने बजे प्रारंभ होकर और कितने बजे समाप्ति का समय रहेगा। तो आपको बता दूं कि प्रातः काल इस ग्रहण काल का जो समय है वह होगा 10:31 से प्रारंभ होगा, मध्यान्ह का जो समय होगा वह 12:18 पर, वही मोक्ष का समय यानी कि जो समाप्ति का समय रहेगा वह दोपहर 2:04 पर होगा। तो ग्रहण काल में सबसे पहले घर से नहीं निकलना चाहिए, उसके साथ साथ में प्रयास करें कि मंदिर तो रात्रि यानी कि 10:30 के बाद बंद कर दें और भगवान को पर्दे में रहने दें, सारे देवी देवताओं के कपाट ऐसे ही बंद हो जाते हैं। उसके बाद
ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही मंदिर को खोलें और साफ सफाई करके पुनः सारे देवी देवताओं को स्थापित करें और साथ ही साथ में पूजा पाठ करें। इस ग्रहण काल में क्या करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, आइए इस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। ग्रहण काल के समय में वैसे तो देवी देवताओं का पट यानी कि मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ग्रहण काल में किया हुआ कोई भी मंत्र जप यानी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं चल रही है, वह चाहे फिजिकल समस्याएं हो, हेल्थ को लेकर आप समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं यानी कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, या फिर कलह की स्थिति, घर में अनबन की स्थिति बनी है, इन सारी चीज़ों से किस प्रकार से आप निकल कर और सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं या फिर ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे। उस काल में सूर्य देव पर ग्रहण लगने से आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में समस्याओं का अंबार न लगे, जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ एक बेहतर जिंदगी आपको प्राप्त हो, इसलिए सबके लिए ही उस ग्रहण काल के समय स्नान ध्यान करके और आपको उस दिन संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उसके अलावा सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जिन लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है यानी कि सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में है, चतुर्थ अष्टम और द्वादश भाव में विराजित है, ऐसे लोगों को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप करने से पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं वो लोग सुन भी सकते हैं, इसको ग्रहण काल में सुना हुआ बहुत ज्यादा फल देता है। कोई भी मंत्र अगर आप श्रवण करते हैं या फिर उसका जप पाठ इत्यादि करते हैं उससे अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ में विशेष ख्याल रखने योग्य बात, जो लोग वृद्ध या फिर बीमार व्यक्ति है उनके लिए सूतक काल में भोजन करना निषेध नहीं है शास्त्रों में, लेकिन बाकी जो लोग स्वस्थ हैं उनको सूतक लगने के बाद भोजन या फिर प्रयास करें कि जल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि भगवान सूर्य कहीं ना कहीं समस्या में है, इसलिए आप लोगों को उनके साथ अनुनय विनय करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। एक बात का विशेष ख्याल रखना है, गर्भवती माताएं एवं बहनें उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उस ग्रहण काल से पूर्व लगने वाले सूतक के समय से ही सावधानी बरतें, यानी कि सब्जी इत्यादि नहीं काटना है या किसी भी लकड़ी से लेके किसी भी चीज को ना तोड़े और सावधानी पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन मंत्र जप इत्यादि करते रहें, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का मन और मस्तिष्क तेज हो और साथ में ईश्वर उसको स्वस्थ उत्पन्न करे, उसका जन्म अच्छे से हो सके, इसलिए देवी देवताओं का स्मरण पूजा पाठ इत्यादि करें, इससे पूर्णतः आपको लाभ होगा। ग्रहण काल के बाद जीवन के अंदर अनेक समस्याओं से निजात पाकर और जीवन में सुख समृद्धि हेतु आप सभी को ग्रहण काल के पश्चात कुछ दान पुण्य करना चाहिए। विशेष करके शूद्र को ग्रहण काल के पश्चात अगर आप दान करते हैं, अन्नदान है, वस्त्रदान है, इस समय लॉकडाउन की स्थिति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है तो यह बहुत सारे मजदूर या फिर ऐसा कहा जाए कि जरूरतमंद लोग हैं उनको जाकर आप थोड़ा सा अन्नदान इत्यादि करें, उसका अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक आग्रह है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य प्रदान करें, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।